अगर कभी रेनो क्विड और ट्राइबर का क्रॉस करवाया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट वुड बी दिस, द रेनो काइगर। बट द बिग क्वेश्चन इज कि इसमें कितनी क्विड है और कितनी ट्राइबर है, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। कम ऑन दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वॉचिंग एस इन स्टूडियो एंड दिस इज रेनो काइगर। So the first things first, Renault Kiger में क्विड के क्या एलिमेंट्स हैं? I know it, you know it, everybody knows it. It's the design. Kiger looks के मामले में क्विड Pro Max है, क्योंकि ये क्विड जैसी है, but dimensions में बड़ी है, which isn't a bad thing necessarily. क्योंकि क्विड खुद looks के दम पर बहुत से लोगों को attract कर पाई है. Grill काफी familiar है, but Kiger की grill में chrome ज़्यादा आपको मिलेगा. हेडलैम्प असेंबली भी मिलती जुलती है, बट ऑफकोर्स काइगर में आपको ट्रिपल पॉड एलईडी सेटअप मिलता है, जो कि देखने में ज्यादा बेहतर है। साइड से भी सिमिलैरिटीज हैं, बट काइगर ऑब्वियसली डिमेंशंस के मामले में क्विड से हर लिहाज से बड़ी है। काइगर में रूफ रेल्स भी हैं और इसे 16 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि खूबसूरत नजर आते हैं। हालांकि 195/60 सेक्शन होने के बावजूद व्हील आर्चेस और व्हील्स में गैप काफी प्रोमिनेंट है, तो जहां फ्रंट और साइड आइडेंटिकल लगते हैं, रियर कम्प्लीटली नया लगता है और मेरे हिसाब से इस व्हीकल का सबसे बेहतरीन प्रोफाइल भी है। यहां पे आपको सी शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, विंग स्टाइल में इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर है और ड्यूअल टोन बम्पर दिया गया है। ये थे मेरे ओपिनियंस डिजाइन के बारे में, आपको क्या लगता है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो बाहर से ये जहां आपको क्विडिश लगती है, मतलब क्विड के जैसी लगती है, अंदर से अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको जो नई डिजाइन थीम है, जो कि हमने ट्राइबर के साथ में इंट्रोडक्शन देखा था, वैसी सी ही लगती है। स्पेशली अगर आप लोअर पोर्शन की बात करोगे, जहां पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया गया है या फिर जो एसी कंट्रोल के नॉब्स आपको दिए गए हैं, ये सिमिलर पैटर्न हमने ट्राइबर में देखा है। हालांकि इसका इवॉल्व वर्जन है और उसका इवॉल्व वर्जन हम एक्चुअली निसान मैग्नाइट में देख चुके हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको मैग्नाइट की याद दिलाएगी। ऑफकोर्स अगर आप डैशबोर्ड की बात करोगे तो डैशबोर्ड मैग्नाइट में वो ऊपर की तरफ सारे के सारे एसी वेंट्स आते हैं। काइगर में आपको यहाँ पर एसी वेंट्स दिए गए हैं और बटन की पोजीशनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है। ये जो आपको नॉब्स हैं, एसी के नॉब्स हैं, वो आपको यहीं पे एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए एक स्टोरेज स्पेस दिया गया है, हालांकि वायरलेस चार्जर इसमें नहीं दिया गया है, जो कि आपको एज एन एक्सेसरी डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट आपको दिया गया है। तो इस जगह से जब आप देखना शुरू करते हो तो आपको ट्राइबर प्लस जो मैग्नाइट है उसकी याद आती है। हालांकि अच्छी बात यह है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो कुछ डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। यहाँ पे एक मोड बटन दिया गया है, जिसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम परफॉर्मेंस में जाएंगे। तीन मोड्स हैं इसमें, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, अगैन तब उसके बारे में बात करेंगे। ये जो बटन है ये एम्बिएंट लाइटिंग का है, ऑन आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है, स्लाइडिंग ये डोर्स दिए हैं, स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ये, जो कि क्वालिटी वाइज ओके लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा बेटर क्वालिटी हो सकती थी, बट दिया गया है थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है जब आप बंद कर देते हैं। एक चीज़ जब मैं डीलरशिप पे गया था तो इसका जो है ये आर्मरेस्ट है, ये एक बार खुल गया था, उसके बाद में बंद नहीं हो रहा था, लैच नहीं हो रहा था वापस से, बट अभी इन्होंने ये ठीक करवा दिया है। ये दूसरी यूनिट है, इसमें ये काम कर रहा है। अच्छी बात ये है, अंदर अगर आप स्टोरेज स्पेस बात करेंगे तो बहुत सारा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। शुरुआत जो हमने इस वीडियो की थी वही की थी कि इसमें कितना ट्राइबर है, तो ट्राइबर की प्रैक्टिकलिटी डेफिनेटली यहाँ पे दी गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं। ये कुछ एक स्टोरेज स्पेस आपको बता चुका हूँ, उसके अलावा भी आपको दो ग्लव बॉक्स दिए गए हैं। एक ऊपर की तरफ ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है, नीचे दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। तो ये जो चीज है हमने ऑलरेडी ट्राइबर में देखी थी, ये सिमिलर चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। आप सभी दरवाजों में बात करोगे तो सभी दरवाजों में आप बड़ी बॉटल रख सकते हो, यहां पर भी अच्छी खासी स्पेस, उसके बाद भी जगह बच जाती है। इनफैक्ट अगर आप पीछे देखोगे तो आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है और इसके अंदर भी आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं और आगे एक जगह दी गई है जिसके अंदर आप अपना फोन रख सकते हैं। और सभी दरवाजों में ऑफकोर्स आप अपना जो बड़ी बॉटल है वो तो रख ही सकते हैं। और एक और चीज़, इसका जो बूट स्पेस है वो भी अच्छा खासा है, मतलब मैग्नाइट के मुकाबले लगभग 60 से 70 लीटर बड़ा है। 400 लीटर का आपको ये बूट स्पेस मिलता है और ठीक ठाक लग भी रहा है। हालांकि जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी ऊपर है, तो सामान रखने में स्ट्रगल करना होगा क्योंकि काफ़ी डीप है ये, थोड़ा सा फ्लैट यूजली हो जाता है, ये थोड़ा लो हो जाता है, तो ईजी हो जाता है इसे सामान को लोड करना या अनलोड करना, वो थोड़ा आपके लिए परेशानी हो सकती है।
एक और चीज जो आपको ट्राइबर की याद दिलाएगी, जो कि हमने ट्राइबर में देखा है कि स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत जबरदस्त उनका रहा है, स्पेस अच्छा खासा ये क्रिएट करते हैं। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम आपको लगेगा, नी रूम बहुत अच्छा है। ये वाली जो फ्रंट सीट है वो लंबे आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है, मतलब 5'9", 5'10", 5'11" का भी बैठेगा, उसके बाद भी आपके उसमें जगह देखिए बहुत सारी बच जाती है। लेग रूम भी आपके लिए अच्छा है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। थाई सपोर्ट ओके मैं बोलूँगा, मेरी हाइट के हिसाब से मुझसे ज़्यादा बड़े हैं तो दिक्कत आएगी। अब जो दिक्कत है वो ये है, सीट जो है वो अपने आप में उसमें थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे फ्रंट सीट की बात करोगे तो एकदम कमज़ोर सी लगती है कि कुछ खाया पिया नहीं है इसने, एकदम खाली खाली सी लग रही है। अच्छी बात यह है यहाँ पर आपको AC वेंट्स दे दिए गए हैं पीछे वाली सीट में, और यहाँ पर ब्लोअर आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर ये जो क्वालिटी है वो ओकेश लग रही है, मतलब जहाँ पर भी आप क्वालिटी की ओवरऑल बात करोगे तो ओके क्वालिटी लग रही है, उतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लग रही है, बेसिक सा ये आपको लगता है। नीचे की तरफ आपको 12V पावर सॉकेट दिया गया है, हालांकि USB पोर्ट दे दिया जाता अगर टॉप एंड वेरिएंट में तो और बेहतर होता, क्योंकि वही हम आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब बाहर आते हैं और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो गेट है वो उतना ज़्यादा वाइड ओपन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम ओपन हो रहा है, तो अगर आपकी फिजिक अच्छी खासी है तो वहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी होगी। मेरी जितनी फिजिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाइट अच्छी है व्हीकल की, तो बैठने में अगर आपके घर में एज्ड लोग भी हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं गाड़ी को चलाने। वैसे लॉक हो गई है ये, बट चाबी अगर आपकी जेब में है तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। एंड नाउ लेट्स ड्राइव इट। तो अब शुरू करते हैं, और शुरुआत एक्चुअली जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की सीट में बैठती, जैसे सीट बेल्ट लगाई उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जो इसका बकल है वो एकदम छुपा हुआ एकदम अंदर है, तो बहुत स्ट्रगल होता है। मान लो कि अगर आपकी फिजिक मुझसे भी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको होगा, तो ये थोड़ी सी बेटर प्लानिंग डेफिनेटली हो सकती थी। तो एनीवे अभी मैंने लगा दिया है, अब हम कोर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, चलाना शुरू करते हैं गाड़ी को। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारी ट्राइबर है, तो वो ट्राइबर का क्या है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म CMF-A प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर कि हमने भारत में पहली ट्राइबर गाड़ी देखी थी। एक्चुअली ये जो क्विड है उसी का ज़्यादा स्ट्रेंथन जो प्लेटफॉर्म है वो है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और इसी पर हमने निसान मैग्नाइट भी देखी है, ट्राइबर भी देखी है, और अब ये तीसरी गाड़ी होगी टेक्निकली CMF-A प्लेटफॉर्म वाली। तो इसी वजह से काफ़ी सिमिलैरिटीज़, कंपोनेंट शेयरिंग, पार्ट शेयरिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी मैग्नाइट में भी, इसमें भी, और ट्राइबर में भी। ज़्यादा क्लोज ये मैग्नाइट की होगी क्योंकि दोनों के दोनों सब कॉम्पैक्ट SUV हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ है, और बहुत सारी जो फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये आपस में शेयर करते हैं। तो जहाँ कंपोनेंट शेयरिंग हो रही है, पार्ट शेयरिंग हो रही है, वहाँ पे इंजन शेयरिंग भी डेफिनेटली होगी। इसका जो इंजन है वो है 1 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ। ये जो इंजन है उसे आप एक 5-सीट मैनुअल के साथ में ले सकते हैं और CVT के साथ में ले सकते हैं। मैं अभी इसका 5-सीट मैनुअल वर्जन चला रहा हूँ। नॉन टर्बो वर्जन भी ऑफकोर्स अवेलेबल हैं। 1 लीटर का ही इंजन, मतलब जो सेम इंजन है उसका नॉन टर्बो वर्जन भी आपको मिलता है, जो कि हमने ट्राइबर में भी देखा है। एक्चुअली ट्राइबर में भी वो मुझे कभी सफिशियंट लगा नहीं है, काफ़ी स्लगिश वो लगता है, मतलब कुछ ज़्यादा फन उसमें नहीं है। तो फन इनफैक्ट यूजबिलिटी के हिसाब से भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्राइबर जो 7-सीटर है, 7-सीटर होते हुए भी वो स्ट्रगल करती है मूव करने में। पॉसिबली इसके साथ में शायद ये थोड़ा सा बेहतर करे क्योंकि एक 5-सीटर है, बट वो भी मैं चला नहीं रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ भी 1 लीटर टर्बो। तो टर्बो जो है ये मैंने मैग्नाइट में चलाया है, और बिहेवियर वाइज जो है वो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सिमिलर लगता है। कहने का मतलब स्टार्ट होते ही जो इंजन में आइडल पे जो नॉइज़ है वो एक्चुअली ना के बराबर है, उसमें कोई दिक्कत मुझे डेफिनेटली नहीं लगी है। दिक्कत जो मुझे लगी वो ये है कि जब आप इसे थोड़ा पुश करना शुरू करते हो या स्लो स्पीड्स पे, लो RPMs पे लगातार चलाते रहते हो, मतलब आइडल पे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, पर स्लो स्पीड पे चलाते हो तो वो टिपिकल 3 सिलेंडर वाली जो आपको आवाज़ है वो भी आती है, और वो स्ट्रगल जो है 3 सिलेंडर वाला वो भी नज़र आता है। हाँ, ये जो स्ट्रगल है वो बंद हो जाता है अराउंड 2200 RPM के आसपास, क्योंकि वहाँ पे इसका टर्बो थोड़ा काम करना शुरू करता है। उससे पहले आपको लगातार गियर शिफ्ट जो हैं वो करने पड़ते हैं, तो वो एक थोड़ी सी बात है। मैनुअल वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, CVT के साथ में मैग्नाइट भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। अब उसके अलावा इंजन की पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो लगभग 99 BHP के आसपास इसकी पावर आती है, 100 PS ये बोलते हैं, 160 Nm के आसपास का पीक टॉर्क आता है, जो कि ऑन पेपर डेफिनेटली काफ़ी अच्छे खासे हैं। जब आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो तो आपको फील भी हो जाता है कि हाँ वहाँ पर ये अच्छी खासी पावर आपको देती है, मतलब वंस यू गेट गोइंग उसके बाद में नहीं लगता कि 3 सिलेंडर है या वैसा कुछ है, फिर आपको ये अच्छी खासी पावर देता है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी इसका स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में अच्छा होता है। अब जब स्पोर्ट्स मोड की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें 3 मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको मोड वो है जिसमें आपको इंजन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं लगेगा, थोड़ा लथार्जिक लगेगा, बट वो फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डेफिनेटली बनाया हुआ होता है। स्पोर्ट मोड वहीं पर ज़्यादा बेटर थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको
देता है, थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देता है, तो वो आपको डेफिनेटली फील होगा। बट स्पोर्ट मोड के साथ में दिक्कत ये है कि वंस यू स्टार्ट पुशिंग इट, मतलब ऑफकोर्स इसकी जो टर्बो चार्जर काम करना शुरू करता है लगभग 2200 RPM के आसपास करता है, पर लगभग 3500-4000 पहुंचते ही ये बहुत नॉइजी होने लग जाता है। मतलब बहुत ही छोटा बैंड है जिसमें कि ये शांत रहता है, लाउड नॉइज आपको इसमें सुनाई देगी अगर आप इसको लगातार पुश करने की कोशिश करते हो। मतलब NVH लेवल्स जो हैं वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मटीरियल जो है वो बेहतर डेफिनेटली होना चाहिए था, इंजन भी बहुत नॉइजी होने लगता है। तो रोड नॉइज़ हो, इंजन नॉइज़ हो, या इनफैक्ट विंड नॉइज़ भी जो है वो आपको क्लियरली अंदर तक सुनाई देती है, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर इनको करना चाहिए था। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में जा रहे हैं और एक छोटी SUV देख रहे हैं तो उस लिहाज से ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो जो बोलते हैं ना कि फाइनल टच, फाइनल फिनिश जो है वो ये देना थोड़ा भूल गए हैं, वहां पर मुझे लगता है कि इनको देना चाहिए था। अब एक जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लगभग हर एक रेनो की गाड़ी का होता है, वो होती है इसकी राइड क्वालिटी। ज़बरदस्त इसकी राइड क्वालिटी आपको लगने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट किसी भी तरीके के रोड्स पर आप इसको लेके जाएं आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। मैंने बहुत ख़राब रास्तों पर भी रास्ते में आते वक्त हमने थोड़ी देर चला के देखी तो काफ़ी ठीक ठाक इसने सब चीज़ें एब्जॉर्ब की, तो रेनो डेफिनेटली डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। अब हैंडलिंग की अगर आप बात करोगे तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैंडलिंग, क्योंकि काफ़ी वेग सी इसकी स्टेयरिंग है। अब शुरू में जैसे अभी मैं बहुत ही कम स्पीड कर रहा हूँ, 30-35 km पे चल रही है, और एक अननेसेसरी आर्टिफिशियल वेट इसमें दिया गया है। स्टेयरिंग जो है साइज़ एकदम परफेक्ट है, साइज़ में कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसे अपनी हाइट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इस पूरे सेगमेंट में शायद एक या दो गाड़ियाँ देती है, मोस्ट लाइकली XUV300 आपको ये ऑफर करती है। दिक्कत है फील वाली, मतलब मुझे फील जो है उतनी कुछ खास नहीं आ रही है, काफ़ी प्लास्टिक की फील आ रही है। इनफैक्ट पूरी गाड़ी के अंदर जब आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करते हो तो काफ़ी प्लास्टिक ही लगता है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ब्रेज़ा से ये डेफिनेटली कॉम्पीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट बाकी कॉम्पिटिशन में बात करोगे अगर आप तो बाकी कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी देने वाले अब ब्रांड्स हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर आप बात करो। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी डेफिनेटली अच्छी है, स्ट्रेट रोड में कॉन्फिडेंट भी रहती है स्टेयरिंग, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से टर्न करना चाहते हैं, एक प्रॉपर प्रिसाइज फीडबैक चाहते हैं, तो आप उम्मीद ना करें, वैसी वाली स्टेयरिंग ये नहीं है, काफी एवरेज मैं इसे स्टेयरिंग बोलूंगा। अब अगर आप ब्रेकिंग की बात करोगे तो ब्रेकिंग ऐसा जितनी भी देर मैंने चलाई है मुझे एक्चुअली कोई खास परेशानी नहीं हुई है, ब्रेकिंग मुझे डिसेंट लगी है। पैनिक ब्रेकिंग जैसी सिचुएशन अभी तक आई नहीं है तो मैंने ट्राई आउट नहीं किया है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे वैसी कोई परेशानी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। बाकी ऑफकोर्स अब तो ABS एज स्टैंडर्ड मिलता है तो यहाँ पे भी आपको मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो इसमें 4 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ जो रेनो ने ओवर द ईयर्स बेहद इंप्रूव की है वो है अर्गोनॉमिक्स, मतलब डस्टर जब मैंने चलाई थी, डस्टर इज़ अ फाइन एग्जांपल कि आपको अर्गोनॉमिक्स कैसे ख़राब करने हैं, वो आपको डस्टर से सीखना चाहिए, पर आप धीरे धीरे ये उसको बेहतर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि डस्टर के फेसलिफ्ट में भी ऐसा होगा बट नहीं हुआ, बट अब जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें ये देखने को मिल रहा है। चाहे आप ट्राइबर की बात कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिए, ये थोड़ा सा बेहतर लगता है, एवरीथिंग फॉल्स इन योर हैंड्स, और ऐसा नहीं होता कि ये बाहर से गाड़ी लेकर आए, बस उसको राइट एंड ड्राइव कर दिया और चला लिया। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सो गुड जॉब देयर एज वेल रेनो। अब अगर आप स्क्रीन्स की बात करोगे, दो स्क्रीन्स हैं यहाँ पे, एक है ऑफकोर्स टच स्क्रीन इसका और एक है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैग्नेट के जैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़े अलग कलर कॉम्बिनेशंस हैं और मुझे एक्चुअली मैग्नेट से बेहतर लग रहा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा बेहतर रीड करने में आता है, तो वो कोई परेशानी नहीं है। टच स्क्रीन यूनिट जो है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि आपने मैग्नेट में देखी है, सेम यूनिट आपको मिलती है। हालांकि ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पर आपको JBL मिलता है, यहाँ पे आर्कमाइज का आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है और क्लियर है आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको लाते ही ऑडियो सिस्टम चेंज कराना होगा, जैसा कि यूजुअली कई लोग करते हैं, स्टॉक हटा के नए लगा लेते हैं, वैसे आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आप कुछ एकदम क्रिस्प, आप बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं ऑडियो के बारे में, तो डेफिनेटली हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मोस्ट लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जो सनरूफ वाली पब्लिक है वो ये बोले कि भैया सनरूफ कहाँ है, तो नहीं है, एज एन ऑप्शन भी नहीं है, टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा वो। ऐसा मुझे एक्चुअली कोई ज़रूरत लगती नहीं है इंडिया जैसे कंडीशंस में, बट एक फीचर है जो लोगों को चाहिए होता है। तो अब भैया शाम हो गई है, दिया बत्ती का टाइम हो गया, दिया हमने जला लिया है, क्योंकि लाइट नहीं है तो हमें इस लाइट की मदद से अपना जो व्हीकल है शूट करना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी दिया बत्ती कैसे काम करती है, इसकी लाइट कैसे काम करती है। तो लाइट जो है LEDs आपको मिलती है, ट्रिपल पॉड है, अगर आप मैग्नाइट से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ डुअल LEDs मिलती है या ट्विन LEDs या व्हाटएवर
व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो मिलती हैं यहाँ पर, ट्रिपल पॉड्स हैं। इसका जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन है मुझे डिसेंट लगा है, मतलब स्प्रेड जो है इक्वल है, ऐसा नहीं है कि किसी जगह लेफ्ट टिल्टेड है या राइट टिल्टेड है, स्प्रेड अच्छा है। पर क्या ये एक्सट्रीम अंधेरे में भी ऐसे परफॉर्म कर पाएगा, वो हम जब हम रात में चलाएंगे तब हमें पता लगेगा, बट अभी के लिए मेरे को डिसेंट लग रहा है, कोई परेशानी मुझे नहीं लग रही है। तो जहाँ ये बहुत ज़्यादा मैग्नाइट से, जैसे कि मैंने कहा, कंपोनेंट शेयरिंग करती है, तो बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, काफ़ी समानताएं आपको मिलेंगी, पर कुछ असमानताएं भी है। जैसे कि आपको मैग्नाइट में एक फीचर मिलता है 360 डिग्री कैमरा, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। हालांकि उसका 360 डिग्री जो कैमरा है वो काम का, मतलब कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, विजिबिलिटी उतनी कोई शानदार नहीं आती है, बट एक फीचर है, ऐड ऑन हो सकता है, किसी को अट्रैक्ट करने में मदद मिल जाए, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिंपल आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है जो कि डिसेंट काम करता है। अब उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो एक और फीचर है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर, जो आजकल एक स्टैंडर्ड टाइप हो गए हैं इस सेगमेंट में। अगेन गिमिक है, बट आई थिंक वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में थोड़ी मदद करते हैं, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। अब एक फीचर है, अगर आप हाईवे ड्राइव्स बहुत लगातार करते रहते हैं तो आपको क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर जो होता है वो काफ़ी यूज़फुल लग सकता है, तो क्रूज़ कंट्रोल जो है यहाँ पे मिसिंग आपको लगेगा, जो कि मैग्नाइट में आपको मिलता है। तो जहाँ दो तीन फीचर्स आपको मैग्नाइट में एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो रेनो ने भी थोड़ी बहुत बाजी मारी है कुछ कुछ चीज़ों में। सबसे पहले तो PM 2.5 एयर फिल्टर आपको उसमें मिलता है, तो हवा जो आपके अंदर आएगी वो काफ़ी क्लियर एयर आती है। दूसरा एक और फीचर कि यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे, तो वो आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है। तब आप बोलोगे भैया पूरी रामायण गाथी आपने, हर बार की तरह आप माइलेज भूल गए हो। नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं आपको पूरा बता के जाऊंगा कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी, वो एक्चुअली आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगने वाली है। अभी मोस्टली हमने शहर में चलाई है, थोड़ी सी देर थोड़ी खुली रोड्स पे चलाई है, और ये जो अभी फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है वो अराउंड 17 KMPL के आसपास दिखा रहा है, विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव। मतलब इतनी फ्यूल एफिशिएंसी ट्राइबर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसने भी मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई है, तो आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन, बट दिस इज़ प्रीटी नाइस, जो कि इस सेगमेंट के लोग डेफिनेटली देखते हैं अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी। तो मुझे लगता है कि शहर में आप आराम से 14-15 तो आराम से निकाल लेंगे, हाईवे पे जाके आप जो क्लेम्ड माइलेज है इसका उसके आसपास निकाल पाएंगे। तो अभी हमारी ड्राइव ख़त्म हो गई है, और ड्राइव ख़त्म होने के बाद में मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, और ये जो फीचर है वो काफ़ी इरिटेटिंग बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, यूज्ड होने में आपको एक्चुअली काफ़ी टाइम लगने वाला है, कोई भी गाड़ी आप चला के इसमें आएंगे। तो गाड़ी मैंने रोक दी है, गाड़ी मैंने बंद कर दी है, बंद करने के बाद में मैं गेट खोल रहा हूँ। अरे गेट नहीं खुल रहा, गेट क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि इसमें ये जो लॉक अनलॉक का बटन है ये आपको नेसेसरीली दबाना ही पड़ेगा तभी ये काम करेगा, जो कि यूजुअली बाकी गाड़ियों में नहीं होता। आपने गाड़ी खड़ी कर दी, बंद कर दी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और उसके बाद में आप बाहर निकल जाओगे, बट यहाँ पर आप अनलॉक करो पहले, काफ़ी ज़िद्दी है भाई। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी रेनो काइगर, रेनो की ओर से उनकी पहली सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV, जिसमें कि बहुत सारी खूबियां हैं बट कुछ एक कमियां भी रह गई हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी है वो है क्वालिटी लेवल्स की। बहुत कुछ है जो क्वालिटी वाइज बेहतर करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस वाइज जो वर्जन हमने चलाया है 1 लीटर टर्बो मैनुअल, इसमें मतलब परफॉर्मेंस वाइज जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, बट अगर इसका 1 लीटर अगर नॉन टर्बो आप चलाएंगे, जो कि हमने और व्हीकल्स में चलाया है जैसे कि ट्राइबर में चलाया है, तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी कुछ खास नहीं है। क्या पता इसके साथ में थोड़ा सा ट्यून किया गया, उसके बारे में हम कॉमेंट नहीं कर सकते हैं, वो तभी हम बात करेंगे जब हम उसको चला लेंगे। बाकी प्राइसिंग जो है बहुत अच्छी रखी गई है, फीचर्स भरपूर दिए गए हैं मतलब इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। तो जो लोग हैचबैक्स देख रहे हैं, मतलब ग्रैंड आई10 फॉर एग्जांपल, या आई20 देख रहे हैं, बलेनो देख रहे हैं, स्विफ्ट देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये डेफिनेटली साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।